सो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो मेरा दुआ आप सबका साथ है, जितना बाइकर भाई लोग हैं सबका साथ है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, मैं इस तरह का जो वीडियो बनाता हूँ, ये वीडियो बनाने का जो रीज़न है बहुत ख़ास नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा ये वीडियो देख के अगर किसी को, एक बाइकर को अगर हेल्प हो तो मुझे अच्छा लगेगा। और कोई भी बाइकर अगर अपना लाइफ को अपना सिक्योर कर ले, और जो अभी इंसिडेंट हो रहा है ये देख के थोड़ा सावधानी बरकरार कर लेता है अपना लाइफ को, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज जो मैं बात कहने वाला हूँ बहुत बहुत ही बुरा लगेगा आप लोगों को सुन के। सो गाइस, ये पंजाब का रहने वाला था बंदा, विवेक भाई बोल के, भाई के पास 2-3 सुपर बाइक था, V4S लेके भाई 2 दिन आगे एक्सीडेंट किया, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट, और स्पॉट डेथ, कोई चांस नहीं था। गाइस, छोटा सा एक फुटेज है आपको दिखा रहा हूँ, अब देखो। गाइस, बाइक चलाओ, बाइक लो, सब से आपका आपका ड्रीम का ड्रीम में जो बाइक है ना आप ले लो, जितना दाम है ले लो, लेकिन लेकिन लाइफ से बड़ा दामी कुछ चीज़ नहीं है भाई। दुनिया में रहेंगे तो जितना सकेंगे मजा कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर दुनिया में ही ना रहे तो क्या फ़ायदा, 2 सुपर बाइक 3 सुपर बाइक क्या 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 रुपया क्या है। इसलिए मैं बार बार आप सबसे कहता हूँ, नॉर्मल बाइक सुपर बाइक जो भी आपका पास है आप थोड़ा कंट्रोल में चलाओ। और ये भाई क्या बताए, ये लग रहा है ये रोड देख के ये सिटी का ही कोई हाईवे है, और स्पीड देख के लग रहा है कम से कम 120-130 का ऊपर होगा। हवा की तरह आया और पूरा एकदम एक्सीडेंट हो गया, ऐसा खतरनाक, गाड़ी उधर ही जल गया। और गाइस देखो, हम लोग इंडिया में रहते नहीं, इंडिया में ऐसा बात नहीं कि इंडिया में ही होता ही है, ये वर्ल्ड वाइज है। कुछ पब्लिक है जिसका दिमाग में आधा दिमाग है, ठीक है, वो रोड में जाने का टाइम कहीं देखता नहीं है, इधर उधर नहीं देखता है, सीधा रोड क्रॉस करता है। अभी देखो, उन लोगों के चक्कर में खुद का जान क्यों जाए, इसीलिए सावधान खुद को होने पड़ेगा, ठीक है। ऐसा पब्लिक को आप सुधरने नहीं सकोगे, ऐसा पब्लिक रहेगा ही आपका बीच में है, लेकिन आपको थोड़ा दिमाग लगा के, आपको थोड़ा माइंड फ्रेश करके और कंट्रोल में बाइक रखना है। ऐसा बाइक चलाओ जो अगर कोई सामने आ भी जाए तो आप बाइक को कंट्रोल कर सको, ना को बाइक, देखो भाई जितना दामी बाइक हो, जितना क्रूज कंट्रोल, जितना ABS, जितना कुछ ढुका दे बाइक के अंदर, ठीक है, ब्रेकिंग सिस्टम में, लेकिन अगर आप 100 का ऊपर बाइक आपका रहेगा तो ऐसा हादसा होगा ही होगा। कोई ABS कोई ब्रेक काम नहीं करेगा, हम लोगों का जैसा रोड कंडीशन है इंडिया में, तो वो हिसाब से आपको बाइक को कंट्रोल में रखने पड़ेगा। और सही से बाइक चलाइए, राइड सही से करिए, बहुत इन्जॉय कीजिए अपना लाइफ में। ये भाई 2 दिन आगे, उनका इंस्टाग्राम में अच्छा फॉलोअर है, 150K मोटा मोटी फॉलोअर है, तो उनका इंस्टाग्राम में लास्ट वर्ल्ड कप 2020
वर्ल्ड कप इंडिया जीता, उसमें भी भैया बहुत खुश थे, लेकिन उसका एक दिन बाद ही ऐसा हादसा हो जाएगा, कौन जानता था। ऐसे ही बाइकर का लाइफ बहुत ही ख़राब है, कब नहीं है कोई ठीक नहीं है, लेकिन अपना लाइफ अपने को जीना है और हर टाइम दिमाग एकदम सही करके बाइक चलाना है, ये सोच लो। और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अगर किसी को इससे फ़ायदा हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये वीडियो में ना मैं मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करता हूँ, ठीक है, लेकिन ये वीडियो अगर किसी के पास गया तो अगर वो देखा तो कुछ तो उसका मन में कुछ नरमी आएगा और कुछ दिमाग में भी आएगा। और कुछ कहने का नहीं है भाई, इसीलिए ये वीडियो बनाते हैं मैं और आप सबको ये शेयर करता हूँ। आप लोग मेरा सब लोग भाई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो और प्लीज़ सेव ड्राइव सेव लाइफ। फिर से मैं कह रहा हूँ, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।